वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, ना कोई चीज़ कहीं एक्सप्लोर कर रही हूँ। अपने नियर बाय पार्क में आई हुई हूँ, हमारे फ्लैट के बाजू में, मतलब पास ही में पार्क है। तो बच्चे लोग बस खेल रहे हैं, उसकी थोड़ी आवाज़ें आती होंगी, बच्चे लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो अभी शाम के 7:30 बजे हैं और यहाँ मगरिब हो गया है। यहाँ मगरिब तकरीबन 7:15 में हो जाता है, तो 7:30 हो रही है। हम लोग शाम की चाय लेकर इधर आ गए कि चाय भी इधर पियेंगे, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच आप सबका, और ख़ास कर मेरी अभी न्यू सब्सक्राइबर्स का जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, और आप सबकी बदौलत मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत खुश हूँ, मेरी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का भी है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट किया। वो बात अलग है कि आप मेरे वीडियो क्लिप मेरे बनाने में हेल्प नहीं करते, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अब वो मेरी हेल्प भी करेंगे, मेरे वीडियो क्लिप भी बनाएंगे। मैं रिसेंटली उमरा को गई थी, मक्का गई थी फर्स्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने वो ब्लॉग भी शूट किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और सबसे बड़ी तो खुशी बहुत है, रूहानी खुशी होती है ना, वो चीज़ स्पिरिचुअली हर की ख्वाहिश होती है। मेरी क्या मतलब, दुनिया में हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा ज़रूर मक्का जाऊँ, हरम शरीफ जाऊँ। पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कोई ना कोई वजह होती है कि लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। तो मैं गई, अल्लाह ने मेरा आसान बनाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप वहाँ पे वीडियो बना रहे हो, फ़ोटो बना रहे हो। तो भाई वहाँ पे जो भी उमरा को जाते हैं, हज को जाते हैं, तो थोड़ी सी याद भी बनाते हैं, इसलिए कि आप बाद में देख सको ना, थोड़ी याद संजो का इंसान रखता है वहाँ पे, वो करते हैं। अब मैं बोलूँ, मैं जब यहाँ मैं आई नहीं थी, और जब मेरी यहाँ आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो एक वीडियो का मीडियम था जिससे मैं देखा करती थी, ये जगह देखा करती थी, हरम शरीफ देखा करती थी, मक्का का लाइव तवाब जो ब्रॉडकास्ट होता है मैं वो देखा करती थी। और बस मन मन सोचा करती थी कि अल्लाह मेरे को भी वहाँ पहुँचाए, कैसे पहुँचाए, उसकी तो कुछ पता ही नहीं था। खैर अल्लाह ने यहाँ तक ले आए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह हर ख्वाहिश रखने वाले को, हर मुसलमान के लिए आसानियाँ पैदा करें, यहाँ आ सकें। तो कहना चाहती हूँ कि कमी निकालने वाले जो हैं ना, वो हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जितनी अच्छे से अच्छा काम करो, आपको कमी निकालने वाले तो हर जगह मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ फोकस करते हो। अगर नेगेटिव पे फोकस करोगे तो डिस्ट्रैक्ट। कमेंट इतने प्यारे प्यारे आते हैं ना। अभी रिसेंट किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि अब मेरे शौहर भी, मतलब उस सब्सक्राइबर ने कहा कि वो यहाँ रहते हैं, शायद जद्दा में रहते हैं, और मैं भी आने वाली हूँ, आपका वीडियो देखकर अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को देखती हैं और पसंद करती हो। तो सिस्टर मैं आपको एक टिप्स दूँगी ना, क्योंकि मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई, तो मैं तो वो कर नहीं पाई। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप इंडिया से आए ना, तो खाने पीने की चीज़ें, मतलब जैसे ये अचार हो गए, अचार यहाँ भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो अरबियन अचार ना हमारे देसी अचार जैसे नहीं होते हैं। तो आप ना अचार ले लें, पापड़ ले लें, वो मिलते हैं यहाँ, लेकिन वो बात नहीं होती है। और मैं बोलूँगी कि ड्रेसेस ज़्यादा ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे हेवी ड्रेसेस आप पहन के किधर जाओगे। आप फ्लैट में ही रहोगे, घर में रहोगे, तो वहाँ पे कंफर्टेबल कपड़े जो आप जिस तरह के पहनते हो वो रख लो, और अबाया जितने हैं वो रख लो, क्योंकि अबाया बहुत यूज़ होगा। एक अच्छे शूज़ भी रख लें, क्योंकि शूज़ यहाँ पे शूज़ पहन के ही निकलना होता है, वॉक करना है, और कंफर्टेबल भी होता है, तो शूज़ ज़रूर रख लें, अच्छे पर्स रख लें, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत सारे ड्रेसेस ले आई थी और वो मेरा लगेज फुल कर दिया, तो मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं बहुत चीज़ें खाने पीने की नहीं ला रही थी ना, मतलब मेरे को डर लग रहा था कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मिक्सचर स्नैक्स मिलते हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में मैं मिक्सचर देखी, कोई इंडियन या होटल टाइप बनाए थे, और वहाँ से मैंने मिक्सचर लिया,
इतना सा मिक्सचर, सिर्फ एक क्वार्टर प्लेट जितना, वो 6-7 रियाल का हुआ। तो इंडिया में आपको पूरी एक पैकेट मिल जाएंगे। तो मिक्सचर है, स्नैक्स है, पंजाबी तड़का हो गया, आलू भुजिया, ये सब तो आप रख लो, अच्छे है। अच्छा, कुकीज़, बिस्किट्स यहाँ पे बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग वैरायटी मिलती है, अच्छी होती है। लेकिन मैं अपने जगह की ना वो बिस्किट्स भी बहुत, वो जो टोस्ट होते हैं, वो वाले टोस्ट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। वो सुबह में रोज़ टोस्ट और चाय के साथ अच्छा लगता है। तो मेरे को आकर बहुत अफसोस हुआ ना कि मैं वो सब चीज़ें भर भर के लाती, बल्कि ड्रेसेस वगैरह उतने नहीं लाती। अबाया तो यूज़ बहुत होता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे अबाया यूज़ करोगे, लेकिन जो अच्छे अच्छे सूट्स रख लेते हैं ना, उसका कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आप वो घर में एकदम कंफर्टेबल कपड़ों में रहते हैं, तो वो काम, वो सूट की फ़ायदा ही नहीं है, वो कपड़े लाने के फ़ायदे ही नहीं होते। तो मैंने एक गलती कर दिया था। खैर, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, इंसान सीखता है, मैंने भी सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी इंडिया, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ये सब तो लाने वाली हूँ, अपने कपड़े पे भी उतना फोकस नहीं करूँगी लाने का। हाँ, आपकी कमेंट्स पढ़ के अच्छे भी लगते हैं, कुछ होते हैं जो कमियाँ भी निकालते हैं। तो भाई, कमी निकालने वाले का मिसाल तो उस मक्खी की तरह है, जो दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ के वो घाव पे और कचरे पे ही बैठता है। तो उनका मिसाल बस उनसे ही है। ऐसे सब्सक्राइबर्स बहुत प्यारी प्यारी जो हैं, उन्होंने भी मुझे बोला है कि मेरे लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबके लिए भी दुआ करूँगी, और आप सब भी दुआ करें कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल करे, और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह आप लोग के लिए आसानी पैदा करे, आप लोग भी जो ख्वाहिशमंद आने के हैं वो सब भी इतनी पाक ज़मीन पर आए। मतलब सच पूछो तो कौन ऐसा इंसान है जो नहीं आना चाहेगा? कुछ मजबूरी होती है, कोई वजह होती है कि लोग नहीं आ पाते। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, वो लोग आए, क्योंकि मैं वहाँ जाके इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, मतलब रूहानी सुकून जो होता है ना, वो चीज़ें हैं। आप दुनिया के जहाँ कोने में चले जाओ, लेकिन जो सुकून आपको बैतुल्ला में जाकर मिलेगा, जो सुकून आपको हरम जाकर मिलेगा, वो कहीं नहीं। और कहना चाहती हूँ ना, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस, और बेल बटन को ज़रूर हिट करें कि ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन चली जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, वो क्राइटेरिया जो होता है वो फुलफिल हो गया है, लेकिन वॉच टाइम अभी भी बाकी है। तो भाई, आप जल्दी जल्दी देखो मेरी वीडियो को, देखो मेरी वॉच टाइम को बूस्ट करो, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। हालांकि मैं सच बताऊं, मैंने ये चैनल शुरू ये सोच के तो बिल्कुल नहीं किया था कि मोनेटाइज होगा, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो नहीं सोचा था। पहला था कि मुझे बनाना अच्छा लगता है, मुझे वो वीडियो अच्छा लगता है। भाई, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, उसकी कोई वजह होती है? कोई अच्छा लगने की कोई वजह नहीं, बस अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड टुक टुक मुझे देख रहे हैं कि क्या तुम बोले जा रही हो, तो क्या करूँ। और बच्चे यहाँ पे अभी खेल रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे फैमिली पार्क है ना, तो सब आते हैं, बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं। अभी गाड़ियाँ भी बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी ना रेंट पे मिलती है, मतलब कितने रियाल की थी? 5 रियाल पर आवर्स ना। हाँ, तो इस तरह से मिलती है, सही है। फ्लैट में होता क्या है ना, बंदा बन थक जाता, मतलब थक नहीं जाता, कहना ये है कि वो फ्रेश एयर मिलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी बिल्डिंग्स, जो भी एक सोसाइटी है ना, वहाँ पे एक नियर बाय पार्क है कि वहाँ पे आप आ सको। एक्सरसाइज की बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज की रखी है, टूल्स सारे रखे हैं कि आप आके एक्सरसाइज करो। इधर मैं आ नहीं रही थी कुछ दिन से, जद्दा में बहुत गर्मी है, मैं सच बताऊँ ना, रेगिस्तान पे है, यहाँ गर्मी होती है। अभी जद्दा में 42 है, बस ये है कि हमारे इंडिया जैसा वो लू नहीं चलता, लेकिन भाई गर्मी तो होती है, मतलब दोपहर में ना कहीं जाने का मन नहीं। ऐसे ही मेरे चैनल पे प्यार बना के रखें, वीडियोस को देखा करें, मेरे वॉच टाइम पूरा कर दो यार। और जो कमेंट करते हैं ना कि आपके हस्बैंड कैमरे पे क्यों नहीं आते, वीडियो में क्यों नहीं आते, वो बोलते हैं जब तुम्हारे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर होंगे ना, तब मैं आऊँगा। तो भाई, जल्दी से मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करो। और बच्चे लोग इतने खेलते हैं ना, खैर अच्छा है, ये अच्छा लगता है देखकर यहाँ पर, मतलब घंटे दो घंटे आके बस बैठ जाते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, कभी वॉक कर लेते हैं।
दोपहर में तो निकलने की हिम्मत होती नहीं, दोपहर में तो तभी निकलती हूँ जब बहुत ज़रूरी कोई काम रहा, अदरवाइज हम लोग शाम में ही मगरिब के बाद। अच्छा, अभी हम लोग 4-5 दिन के बाद पार्क पे आए ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, इस तरह के हट टाइप बने हैं। हाय बिस्सा, हमें कैट मिल गई, यहाँ कैट बहुत मिलती है, और सबसे अच्छी बात है ना यहाँ की कैट भी बहुत मोहब्बत आ रहा है, कैसे सट रही है, अल्लाह ही पंजा पकड़ के तो जाए नहीं दे रही है। हाँ चलिए चलिए देखते हैं, भूखी होगी, नहीं खाने को नहीं है, पानी है पानी, हाँ दो पानी दो, बोतल पानी देने देती हूँ, पानी पानी तो मैं बोतल रख ली थी, निकाली ना इनमें। हाय बेबी, इधर देखो, इधर आ जाओ, तो हमारे पास खाने की चीजें तो नहीं है, लेकिन नहीं पानी नहीं पिएगी वो, उसको भूख लगी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं साथ साथ आती कि नहीं, देखते ना जाएगी कि नहीं। अल्लाह, ये हमारी साथ साथ जा रही है, क्या हो गया, अल्लाह ये साथ चल रही है, चलोगी साथ साथ, साथ से चलोगी, हमारे साथ रहोगी, हाँ भूखी है, हाँ भूखी है, आप बार से आना नहीं, अगली बार से लंच तो, में हाँ हाँ, और उसके बाद उसको बंटवारा करो, बंटवारा करो, हाँ उधर भी बिस्सा को खाने के लिए किसी ने कुछ दिया है, हाँ खाओ खाओ खाओ, चलो शेयर कर लो तुम लोग, ठीक है चलती हूँ, बाय बाय। यहाँ की बिल्डिंग माशाल्लाह इतनी खूबसूरत होती है, यहाँ की बिल्डिंग की ख़ास बात क्या होती है ना कि बिल्डिंग में बाहर से पत्थर लगे होते हैं, यहाँ पेंटिंग डेंटिंग नहीं चलता जो हमारे यहाँ चलता है, और ये सारे पत्थर लगे हैं, तो ये है हमारा एरिया, तो बस चलती हूँ। अच्छा जी, हमारी शाम की तफरी तो हो गई, चाय भी हो गया, और अपनी दिल की बातें भी मैं आपके सामने रख दी। अच्छा, ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, चलो बाय।